कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में आज सुबह एक महिला सुनीता मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव के हाथ में लाइसेंसी पिस्टल भी थमा दिया गया। पुलिस के समक्ष मौजूद साक्ष्य इस बात की गवाही दे रहे हैं कि महिला की हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल कर हत्यारे की तलाश में जुटी है। इस हत्या का खुलासा आज सुबह करीब 9:30 बजे उस वक्त हुआ जब महिला के पति राधेश्याम मिश्रा नाइट शिफ्ट पूरी कर घर लौटे थे। वह मेडिकल लाइन में कार्यरत हैं। देखिए यार, थोड़ा सा प्लीज, जब मना किया जा रहा है यार, ये चीजें तो बाद में भी मिल जाएगी यार। इस बारे में मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सजवाण ने यह जानकारी दी। थाना ब्रह्मपुरी के अंतर्गत एक महिला अपने पति के साथ एक मकान में रहती है और उनके जो पति हैं वो एक निजी अस्पताल में कार्य करते हैं और मेडिकल लाइन में कार्य करते हैं। इनकी रात्रि को नाइट शिफ्ट थी और सुबह जब पति 9:30 बजे के आसपास घर पहुंचे तो उनके द्वारा देखा गया कि उनकी जो पत्नी है वो उनका शव जो है वो बेड पे पड़ा हुआ है। उनके हाथ में जो उनकी स्वयं की लाइसेंसी पिस्टल है वो महिला के हाथ में रखी हुई थी और इसके अलावा वहाँ पे जो अलमारी थी उसमें कुछ सामान बिखरा हुआ था और पुलिस के द्वारा जब वहाँ पे पहुँचा गया तो फील्ड टीम को बुलाया गया, पूरे क्राइम सीन का अध्ययन किया गया। तो ये प्रथम दृष्टिया जो लग रहा था देखने से ये प्रतीत हो रहा था कि जो इसको आत्महत्या देने का प्रयास किया गया है। कुछ बहुमूल्य सामान जो अलमारी में है वो वहाँ पे रखा हुआ मिला, कुछ पैसे भी थे और जो कुछ सोने के सिक्के आए थे वो मौके पे ही जो अलमारी है उसमें रखे हुए मिले। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पे उनके घर पे जो आने का जो रास्ता है वो वहाँ पे कुछ CCTV कैमरे पुलिस को मिले हैं जिनको देखने के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है और जितने भी इनके जो पति हैं उनसे छानबीन की जा रही है और इसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।